गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले टॉपिक में आपने पर्यटन के संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त की थी कि पर्यटन क्या होता है और पर्यटन के कितने प्रकार हैं। आज हम उसी से संबंधित आगे पर्यटन से संबंधित और कौन से टॉपिक हैं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पर्यटन इस आकृति ये किताब में आपकी आकृति दी हुई है। इस आकृति में लोग स्वास्थ्य से संबंधित अपने स्वास्थ्य को सुधारने के लिए पर्यटन करते हैं, मतलब कुछ ऐसे प्रदेशों में जाते हैं जहाँ पर योगा सिखाया जाता है, शुद्ध हवा होती है, जैसे कि हिल स्टेशन होते हैं तो वहाँ की हवा बहुत शुद्ध होती है, वहाँ पे जंगल होते हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन की मात्रा वहाँ पर अधिक होती है, तो ऐसे जगहों पे लोग जाकर रहना पसंद करते हैं। मतलब जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है। महानगरों में क्या होता है कि धूल प्रदूषण जिसकी वजह से लोग बहुत जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं, हाई बीपी होने लगती है, हार्ट अटैक जैसी समस्याएं पैदा होने लगती है, मानसिक रोग उत्पन्न होने लगते हैं। तो इन सबसे बचने के लिए वैसे तो नॉर्मली वहां जाकर रहते नहीं है, लेकिन कुछ समय अपने स्वास्थ्य को सुधारने के उद्देश्य से लोग पर्यटन करते हैं, तो ऐसे हिल स्टेशन पर जाते हैं, ऐसे प्रदेशों में जाते हैं। साहसी खेल, जिन्हें साहस दिखाना और उससे संबंधित खेल पसंद है वो लोग ऐसे क्षेत्रों में जाकर पर्यटन करते हैं, जैसे कि पर्वतारोहण लोग जो होते हैं वो पर्वतों की चढ़ाई करते हैं, तो अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं जहाँ पे ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं, चैलेंजिंग पर्वत भी लोग पसंद करते हैं चढ़ना। दूसरा जैसे कि रिवर राफ्टिंग होता है, तो ऊंचाई से जब पानी नदी का पानी बड़ी तेजी से नीचे की ओर आता है तो ऐसी जगहों पर लोग रिवर राफ्टिंग करते हैं। फिर पैराग्लाइडिंग होता है, आसमान में हेलीकॉप्टर के एरोप्लेन की सहायता से ऊपर जाते हैं और वहां से जंप करते हैं पैराशूट लगाकर और ऊपर तरह तरह की कलाकृतियां करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे खेल हैं जो कि साहसिक खेलों के अंतर्गत आते हैं, तो इस उद्देश्य से अपना साहस दिखाने के उद्देश्य से लोग पर्यटन करते हैं। समुद्र तल की जीव सृष्टि, हम फिल्मों में देखते हैं, कई फिल्मों में ऐसा दिखाया जाता है कि कैसे हीरो हीरोइन पानी के नीचे जाते हैं, उन्हें अलग अलग कलर की मछलियां दिखाई देती हैं, पानी के नीचे मूंगे होते हैं, अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां होती हैं जो पानी के अंदर तैरती रहती हैं। तो ये सब को अपनी आंखों से स्वयं उसका अनुभव करने के लिए लोग समुद्र तल की जीव सृष्टि देखने के लिए पर्यटन करते हैं। इस तरह का पर्यटन हमको गोवा में देखने को मिलता है सबसे ज्यादा। वहां पर लोग जाते हैं और कुछ पैसे खर्च करते हैं और अपनी ये इच्छा वो पूरी कर लेते हैं। इस तरह के पर्यटन ज्यादातर समुद्र तल पर ही होता है। जंगलों में घूमना, नॉर्मली बच्चे अपना ग्रुप बना लेते हैं बड़े लोग और ये अलग अलग जंगलों में जाकर घूमना पसंद करते हैं, वहाँ की वनस्पतियों का देखते हैं कि कौन कौन सी वनस्पतियां हैं वहाँ पर, वहाँ की जलवायु कैसी है, ये सब कुछ वहाँ पर जाकर वो लोग अनुभव करते हैं। समुद्री पर्यटन, समुद्री पर्यटन में समुद्र के मतलब बोट की सहायता से समुद्र में घूमना, ज्यादातर लोग देखते हैं एलिफेंटा के उधर जाते हैं, अपना गेटवे ऑफ इंडिया जाते हैं तो वहाँ पर बोटें लगी होती हैं, वो तीन अलग अलग चलो जगहों पर जाने के लिए लगी हुई होती हैं। एक एलिफेंटा केव है, अली बाग है, मुरुग जंजीरा है, तो ऐसी जगहों पर जाने के लिए आपको समुद्री मार्ग को तय करना होता है। तो जिन लोगों को समुद्र का पर्यटन पसंद है वो लोग इस मार्ग में जाकर अपनी इच्छा को पूरा करते हैं। और भी बहुत सारे प्रकार के पर्यटन है, जैसे कि लोग यात्रा करते हैं, यात्रा मतलब भगवान के दर्शन करने के लिए तीर्थ यात्रा, तो तीर्थ यात्रा तो बूढ़े होने के बाद भी लोग करते हैं, तो ये
इससे संबंधित जो पर्यटन होता है वो यात्रा संबंधी पर्यटन होता है। अभ्यारण, लोग सफारी देखने जाते हैं, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बाहरी देशों में भी जाते हैं। अफ्रीका में जैसे कि जंगल है, आरक्षित जंगल है, जहाँ पर खुले रूप में जानवर, जंगली जानवर घूमते रहते हैं, और हम गाड़ी की सहायता से उस पूरे अभ्यारण का विवरण करते हैं। तो ऐसी जगहों पर जो पर्यटन होता है वो अभ्यारण पर्यटन होता है। आप जानते हैं पर्यटन के लिए GPS जो कि हमारे मोबाइल में भी होता है, GPS सिस्टम जो हमारा लोकेशन, जब हम उसको ऑन करते हैं तो उससे हमारा लाइव लोकेशन पता चलता है कि हम लोग एक्चुअल में कहाँ पर हैं इस वक्त। तो GPS की सहायता से हम अपने लक्ष्य तक पहुंचना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। वो GPS हमें रास्ता भी बताता है, अगर आप टू व्हीलर में है तो टू व्हीलर की सहायता से बताएगा, फोर व्हीलर में है तो फोर व्हीलर की सहायता से बताएगा। तो GPS से बहुत सारी चीजें आसान हो गई है, और ये GPS डायरेक्ट गूगल से जुड़ा हुआ होता है, गूगल मैप, जिसकी वजह से हमें जिस जगह पर जाना होता है वो हमें पूरा रास्ता हमारा बताता है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको एक्चुअल में किस जगह पर जाना है, तो वो आपको सभी जगहों के बारे में जानकारी देगा। इसके साथ ही कहाँ पर पेट्रोल पंप है, कहाँ पे होटल्स हैं, कहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं, कहाँ पर स्कूल है। जैसे कि मान लीजिए एज अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, तो मुझे अगर किसी स्कूल की जानकारी पता करनी हो, मतलब कोई स्कूल मुझे पता नहीं है कि वो कहाँ पर है, तो मैं उसका नाम जो है गूगल मैप में डालूंगी, तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि वो स्कूल कहाँ पर है, उसकी लोकेशन मालूम पड़ जाएगी, किस स्टेशन के नज़दीक है, वहाँ से कौन सा कन्वीनियंट रास्ता पड़ता है, बस द्वारा जाना अच्छा पड़ेगा या ट्रेन द्वारा या फिर रिक्शे द्वारा। ये सारी जानकारी हमें गूगल मैप के द्वारा मिलती है, इस GPS सिस्टम के कारण मिलती है। अब आते हैं, कुछ टॉपिक है हमारे जो कि पर्यटन से जुड़े हुए हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन सी बातें सही है और कौन सी गलत है, मतलब कौन सी अनुचित है और कौन सी उचित है। पहला क्वेश्चन है, पर्यटन के विकास के लिए देश के लोगों की आर्थिक आय अधिक होनी चाहिए, मतलब अगर हमारे देश में पर्यटन का विकास करना है तो हमारे देश में सभी लोगों की इनकम, पगार ज्यादा होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है देश में, ये अनुचित उत्तर है। पर्यटन के विकास के लिए देश के लोगों की आर्थिक आय, मतलब उनकी इनकम ज्यादा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये तो देश की आय पर निर्भर करता है, हमारी राष्ट्रीय आय पर। दूसरा, देशांतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए, देशांतर्गत मतलब देश के अंदर, जैसे कि भारत देश है तो भारत देश के अंदर ही लोगों को बोलना चाहिए कि घूम, हमारे ही खुद के ही देश में इतनी जगह है घूमने के लिए कि अगर आप साल भर भी घूमोगे तो कम पड़ जाएंगे समय, तो देशांतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए, बिल्कुल सही है। अन्य देशों के पर्यटकों पर पाबंदी लानी चाहिए, और जो लोग बाहर दूसरे देशों से हमारे देश में आते हैं घूमने फिरने के लिए, तो क्या उन पर पाबंदी लगानी चाहिए कि नहीं आप हमारे देश में नहीं आ सकते हो, तो ये गलत है, अनुचित है। अन्य देशों के पर्यटकों को पर्यटन के लिए उल्टा हमें बढ़ावा देना चाहिए कि आइए। इससे देखो, टीवी में एड दिखाता है अमिताभ बच्चन का कि वो अलग अलग राज्यों के बारे में बताता है, इनक्रेडिबल इंडिया, मतलब कि हमारे देश में ऐसी ऐसी जगह है घूमने योग्य जो विदेशी पर्यटकों को अपने ओर आकर्षित करती है। पर्यटकों को सुरक्षित यात्रा का विश्वास दिलाना चाहिए, जो भी पर्यटक आते हैं चाहे वो हम हो या फिर विदेश से कोई आ रहे हो, तो क्या इन्हें यात्रा के बारे में, सुरक्षित यात्रा के बारे में उनको दिलासा देना चाहिए, तो हाँ बिल्कुल सही है। अगर किसी जगह पर जाने का रास्ता सही नहीं है तो हम वहां पर जाना पसंद नहीं करेंगे, कोई भी नहीं पसंद करेगा। अगर आने जाने का रास्ता सही नहीं है, वहां पे खतरा है, तो ऐसी जगहों पे कोई भी जाना पसंद नहीं करेगा। देश की सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा करनी चाहिए, हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत, जैसे कि हमारे देश के किले हैं, पे मंदिर हैं, तो इन सभी की सुरक्षा हमको करनी चाहिए, क्योंकि तो यही लोग देखने के लिए
यही पर्यटन के रूप में विकसित होते हैं और दूसरे लोग इन्हें देखने आते हैं, तो ये बिल्कुल उचित है। अन्य देशों की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल सही है, हमें दूसरे देशों की भी संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। अगर हम दूसरे देश जाते हैं घूमने फिरने तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। पर्यटन व्यवसाय के लिए शासकीय लाभ और प्रोत्साहन देना चाहिए, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगर पर्यटन का विकास करना है, इस व्यवसाय का विकास करना है, तो सरकार द्वारा मिलने वाले लाभ और प्रोत्साहन को भी स्वीकार करना चाहिए, जो भी लाभ मिलते हैं। जैसे कि सरकार ने, शिरडी में लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो वहां की सरकार ने क्या किया है, वहां पे धर्मशालाएं बना दी हैं ताकि लोग वहां पे रुक सकें, लोगों के सामान रखने की व्यवस्था की गई है, उनके नहाने की व्यवस्था की गई है, तो ये सब कुछ बिल्कुल फ्री होता है वहां पर। तो इस तरह की शासकीय सुविधाएं अगर मिल जाती हैं तो लोग उस तरफ और ज्यादा आकर्षित होते हैं घूमने के लिए। जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते हैं तो वो लोग भी वहां पर जाकर घूम फिर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में सहभागिता बढ़ानी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय खेल जो कि दूसरे देशों में जो खेले जाते हैं, तो उनमें भी सहभागिता हमारे देश के लोगों को भी बोलना चाहिए कि हाँ उसमें आप पार्टिसिपेट करो, ताकि हमारे देश का नाम उसमें हो और हमारा पर्यटन व्यवसाय विकसित हो। विज्ञापन द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कैसे अमिताभ बच्चन विज्ञापन द्वारा हमारे देश के पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। पर्यटन स्थलों को संरक्षित रखना आवश्यक है। यस, जिस जगह पे पर्यटन वाली मतलब घूमने फिरने वाली जगह है, कोई किला है, तो वो हमारे देश की सरकार की जिम्मेदारी बनती है और साथ ही नागरिकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसे नुकसान ना पहुंचाएं और सरकार उसे विकसित करे। अगर वो जर्जर अवस्था में है, टूटने की अवस्था में है, तो उसको वापस से रिपेयर करके ठीक करे, मरम्मत करे उसकी, जिससे कि वो सुरक्षित रहे और हमारे देश के पर्यटन स्थलों में कोई कमी ना आए। सामान्यतः विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाले प्रसिद्ध व्यक्तियों की प्रतिमाएं स्मृति स्थल के रूप में संरक्षित रखनी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। कि अगर किसी व्यक्ति द्वारा उस क्षेत्र का विकास हुआ है, तो उस व्यक्ति की अगर वहां पे मूर्ति बनाई गई है, तो उसको भी सुरक्षित रखना आवश्यक है, ताकि जब कोई विदेशी पर्यटक आए तो उसे हम बता सके कि हाँ, ये जो व्यक्ति है, इनकी वजह से ही इस क्षेत्र का विकास हुआ है, ऐसा बता सकते हैं। पर्यटन को के लिए विभिन्न सुविधाओं का विकास होना चाहिए, बिल्कुल सही है। पर्यटन के लिए विभिन्न सुविधाएं होना बहुत जरूरी है। अगर किसी जगह पे सुविधाएं नहीं है, सड़कें नहीं है, होटल्स नहीं है, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो ऐसी जगह पे कोई जाना पसंद नहीं करेगा। और जी, पहले के समय में केदारनाथ जो मंदिर है, वहां पे इतनी ज्यादा सुविधाएं नहीं थी, इसलिए वहां पे ज्यादा पर्यटक नहीं जाते थे, सिर्फ वही लोग जाते थे जिनको ये चार धाम की यात्रा करनी होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब वहां पे इतना ज्यादा विकास हो चुका है, होटल्स हो चुके हैं, धर्मशालाएं खुल चुकी हैं, कि वहां पे जाना और आने जाने का जो रास्ता था वो भी अच्छा बना दिया गया है, जिसकी वजह से लोग वहां पे ज्यादा पर्यटन करते हैं। पर्यटन संस्थाओं पर पाबंदी लगानी चाहिए? नहीं, पर्यटन संस्थाएं जैसे कि ये जो टूरिस्ट लोग होते हैं, टूरिज्म, टूर्स एंड ट्रेवल्स वाली कंपनियां होती हैं, इन पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि यही हमारे देश के पर्यटकों को सारी सुविधाएं मुहैया करवाते हैं, गाड़ी से लेकर प्रत्येक स्थान घुमाने तक सारी समस्याओं के समाधान ये लोग करते हैं। तो इसको हमें प्रोत्साहन देना चाहिए, ना कि इस पर पाबंदी लगानी चाहिए। पर्यटन व्यवसाय में अधिक अवसर नहीं है, ये भी बिल्कुल गलत है। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं पर्यटन व्यवसाय में ही नौकरी करूंगा, इसी में काम करूंगा, तो ऐसा नहीं है कि इसमें अवसर नहीं, इसमें बहुत सारे अवसर हैं। आप डिस्कवरी चैनल पे देखो, अलग अलग क्षेत्रों के बारे को देखते हैं, तो उसमें कोई ना कोई व्यक्ति होता, होस्ट होता है, जो कि उन क्षेत्रों के बारे में आपको जानकारी दिलाता है। तो इस तरह से पर्यटन व्यवसाय से जुड़ा बहुत सारे रोजगार उपलब्ध होते हैं, तो ऐसा हम नहीं बोल सकते कि इसमें अवसर नहीं, इसमें भरपूर अवसर है। पर्यटन ये अदृश्य स्वरूप का व्यापार है, ये बिल्कुल सही है। पर्यटन अदृश्य व्यापार है, जो हमें, हम लोग सामने से घूमते फिरते हैं, पैसे देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ पता नहीं चलता कि हाँ हम कोई व्यापार कर रहे हैं, तो ये अदृश्य है।
पर्यटकों के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था और सुख सुविधाएं विकसित करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। देश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन से कोई लाभ नहीं होता, ये गलत है। देश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन से बहुत ज्यादा लाभ होता है। हमारे देश को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, जिसकी वजह से हमारे देश को फायदा होता है और हमारे देश को विकास करने के लिए और अवसर प्राप्त होते हैं। अन्य अविकसित स्थलों की क्षमता विकसित करनी चाहिए। यस, जब कोई कोई इलाका ऐसा है कि हाँ ये पर्यटन लायक है, यहाँ पे विदेशी और भारतीय लोग घूमने आ सकते हैं, पर्यटक आ सकते हैं घूमने, तो उस क्षेत्र का विकास करना चाहिए, ताकि उस क्षेत्र का विकास करने से क्या होगा, वहां पे भी लोग बड़ी मात्रा में आएंगे घूमने फिरने के लिए और उस क्षेत्र के भी विकास में योगदान होगा। गढ़ और किलों का विकास करना चाहिए। लोग ज्यादातर किले और गढ़ यही देखने आते हैं कि कौन से राजा ने कैसा किला बनाया था, कौन कौन सी घुमावदार उसकी रचनाएं थी, ये सब कुछ उसमें दर्शाया जाता है। तो इसलिए ये सब कुछ बहुत ही जरूरी है। अब आगे चलते हैं। पर्यटन, पर्यटन ये तृतीयक व्यवसाय है। आपने व्यवसाय के चार प्रकार पढ़े होंगे, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ। तो ये तीसरे व्यवसाय में आता है। इसे हम सेवा व्यवसाय भी कहते हैं। इसके ये एक तरह से अदृश्य है। हम पैसे देते हैं और इसके बदले में हमारे हाथ में ऐसा कुछ आता नहीं, थैली में कोई सामान, इसके बदले में हम घूमते फिरते हैं, इसलिए ये अदृश्य है। पैसे देने के बाद भी हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता, इसलिए ये अदृश्य है। और ये सेवा व्यवसाय कहलाता है। क्यों? क्योंकि हम इसमें हमारी सेवा दूसरे लोग करते हैं। जैसे कि हमने किसी गाइड को हायर किया, तो उस गाइड को हम पैसे देते हैं और हमें उस इलाके की वो पूरी जानकारी देता है गाइड। हम होटल में जाके रहते हैं, हम गाड़ी में बैठते हैं, घूमते फिरते हैं, तो ये सब कुछ जो है हमारी सेवा हो रही है। तो इसलिए पर्यटन को हम तृतीयक व्यवसाय या फिर सेवा व्यवसाय भी कहते हैं। नेक्स्ट, विशिष्ट प्रदेश की विश्व से पहचान होती है। पर्यटन के कारण ही कोई भी विशिष्ट प्रदेश है, जहां पर घूमने योग्य जगह है, तो उसकी पूरे विश्व में पहचान होती है। जैसे कि हमारे देश में बहुत सारी सांस्कृतिक विरासतें हैं, जैसे कि ताजमहल है, आगरा का किला है, फतेहपुर सीकरी है, बहुत सारे मंदिर है, कन्याकुमारी है, तो इन सभी जगहों की पहचान पूरे विश्व में है। विदेशों में भी लोगों को भारत में आकर घूमने की बड़ी तीव्र इच्छा होती है, क्योंकि यहाँ पर उन्हें पुरानी संस्कृति देखने को मिलती है। अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा में वृद्धि होती है। अब विदेशी, जितने विदेशी हमारे देश में पर्यटन करने आते हैं, वो अपने साथ अपनी विदेशी मुद्रा लाते हैं। अब यहीं पर मैंने खुद एक्सपीरियंस किया था कि हम लोग एलिफेंटा केव गए थे, तो वहां पर हमारे लिए 5 रुपए का टिकट था और उसी जगह पर उन विदेशी सैलानियों के लिए 250 रुपए का टिकट था। मतलब डायरेक्टली क्या हो रहा है, विदेशी वो तो डॉलर में पे करते हैं, तो डॉलर की कीमत जो है वो रुपए से हमेशा ज्यादा होती है। तो इसके आधार पर हमारे देश को पर्यटन व्यवसाय से बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है और ये विदेशी मुद्रा हमारे देश के विकास के लिए बहुत उपयोगी है। पर्यटन स्थलों का विकास होता है। पर्यटन में लोगों को रोजगार मिलता है, स्थानीय निवासी रक्षा हेतु सजग होते हैं और जो वहां के रहने वाले लोग होते हैं, वो लोग उस जगह के बारे में, उस जगह की सुरक्षा के बारे में जागरूक रहते हैं। वो अपने उस पर्यटन वाले स्थल को सुरक्षित रखते हैं विदेशियों से भी और घूमने फिरने वाले लोगों से भी जागरूक रहते हैं हमेशा। और संचार माध्यमों के कारण पर्यटन व्यवसाय में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। हम किसी जगह पर अगर घूमना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले गूगल में सर्च करते हैं कि हमें इस तरह की जगह पे जाकर घूमना है, तो आपको पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाती है, तो उसमें आप चयन करते हैं कि हाँ हमें किस जगह पर घूमने जाना है। तो संचार माध्यमों का इसमें सबसे ज्यादा सहयोग है पर्यटन व्यवसाय में। अब पर्यटन किसे कहते हैं, ये तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, फिर भी एक बार। अपना निवास स्थान छोड़कर विभिन्न स्थलों को जाकर देखना, आनंद करना,
मनोरंजन प्राप्त करना या फिर व्यापार करना, इस उद्देश्य से जो भी घूमना फिरना होता है उसे ही हम पर्यटन कहते हैं। लोग काम के सिलसिले में भी किसी इलाके में अगर जाते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे प्रदेश में गए, तो वहां पर भी वो लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ काम निपटाए और वापस चले आए, उस इलाके में लोग घूमते भी हैं, पर्यटन करते हैं। त्योहार, उत्सव, खेल, मनोरंजन आदि उद्देश्यों से भी लोग पर्यटन करते हैं। अब आते हैं, अब तक आपने दो ही प्रकार पढ़े थे पर्यटन के, एक है स्वदेशी और दूसरा है विदेशी पर्यटन। अब हम पढ़ेंगे नए प्रकार, पर्यावरण स्नेही पर्यटन, स्वास्थ्य संबंधी पर्यटन, सिनेमा पर्यटन, कृषि पर्यटन और क्रीड़ा पर्यटन। अभी नए पर्यटन के जो प्रकार आ गए हैं, इनकी हमें क्यों जरूरत है, क्या कारण है कि ये नए नए पर्यटन अस्तित्व में आए? तो स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता, लोगों को महसूस हुआ कि नगरों में रहकर उनकी स्वास्थ्य कैसे बिगड़ रही है, तो अपने स्वास्थ्य को सुधारने के लिए उन्होंने उस तरह के पर्यटन का विकास किया। स्वास्थ्य से जुड़े हुए, आप भयंदर साइड चले जाओ, वहां पे पागोड़ा है, पागोड़ा में लोग विपस्यना करते हैं बैठकर, मतलब ऐसे मन को शांत रखते हैं और ओम का उच्चारण करते हैं, तो वहां पर भी लोग 14-14 दिन तक रहते हैं विपस्यना करने के लिए, ताकि उनके मन को शांति मिले और उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो, इस तरह से। तो लोगों में जागरूकता अपने स्वास्थ्य के प्रति आई, जिसकी वजह से नए पर्यटन का विकास हुआ, स्वास्थ्य संबंधी पर्यटन। दूसरा, क्रीड़ा। अब धीरे धीरे लोग खेल की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जरूर सभी बच्चे सिर्फ पढ़ाई की ओर पीछे नहीं दौड़ते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खेल में बहुत निपुण होते हैं, तो वो उस खेल को पसंद करते हैं और उसमें ही अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, उस खेल संबंधी पर्यटन से जुड़ी हुई जागरूकता अपनाते हैं और उसके लिए वो लोग पर्यटन करते हैं। पर्यावरण संतुलन संबंधी जागरूकता, पर्यावरण को संतुलन उसका बनाए रखना है, इससे भी जुड़ी हुई जागरूकता लोगों में आ गई है, तो इससे जुड़ी हुई पर्यटन व्यवस्था आई है अस्तित्व में। ग्रामीण जीवन के प्रति जागरूकता, लोग नगरों में रह रहकर तंग आ जाते हैं, इसलिए मोस्टली जो है लोग जब बच्चों की परीक्षाएं खत्म हो जाती हैं तो वो लोग गांव की ओर कूच करते हैं, गांव जाते हैं, ताकि कुछ समय गांव में व्यतीत करें और वहां के जीवन को अपनाएं, वहां की शुद्ध हवा को प्राप्त करें, इस तरह से। सिनेमा के प्रति बढ़ता आकर्षण, लोग सिनेमा के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से सिनेमा से जुड़े हुए पर्यटन अस्तित्व में आए। इसका मतलब ये नहीं कि लोग सिर्फ थिएटर घूमने जाते हैं, नहीं, लोग फिल्म सिटी देखने जाते हैं, कहाँ शूटिंग हो रही है वो देखने जाते हैं, तो इस तरह से भी लोग पर्यटन करते हैं। फिल्मों में भी बहुत सारी जगह दर्शाई जाती है घूमने फिरने योग्य, तो लोग उससे भी आकर्षित होते हैं। अब भारत देश में कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं, जो कि विदेशी सैलानियों के लिए होती हैं, और ये जो ट्रेनें हैं, स्पेशल ट्रेनें, इनकी विशेषता बाकी लोकल ट्रेनों की और एक्सप्रेस ट्रेनों से बिल्कुल अलग होती है, ये कुछ राजमहल जैसी होती है। तो भारत में ऐसी 5 ट्रेनें हैं जो कि चलाई जाती है, एक है महाराजा एक्सप्रेस, दूसरी है विस्टाडोम, ये विस्टाडोम की आकृति है, ये है पैलेस ऑन द व्हील की अंदर का, मतलब डिब्बे के अंदर क्या ये स्ट्रक्चर है, कैसे राजमहल जैसा इसको बनाया गया है, ये देखिए। और इसमें जो लोग काम करते हैं इस रेलगाड़ी के अंदर, उनको बाकायदा राजमहल जैसी ही वेशभूषा दी जाती है, ताकि विदेशी सैलानी जब इस ट्रेन में एंट्री करते हैं, उनका स्वागत भी बिल्कुल वैसे ही किया जाता है जैसे कि वो किसी महल के अंदर, किसी राजा के अंतर्गत आ रहे हैं, उनके निमंत्रण को स्वीकार करते हुए अंदर आ रहे हैं, तो इस तरह से वो विदेशी सैलानियों को आकर्षित किया जाता है। ये महाराजा ट्रेन के अंदर की आकृति है, ये है पैलेस ऑन द व्हील की बाहर का चित्र।
ये है डेक्कन ओडिसी जो कि महाराष्ट्र में चलती है। ये मुंबई ये रेल मुंबई नासिक अजंता एलोरा कोल्हापुर गोवा रत्नागिरी से मुंबई पर्यटन स्थलों को पर्यटक तक लेकर जाती है। इन जगहों पर ये ट्रेन लोगों को घुमाती है। ये चलता फिरता राजमहल इसे कहेंगे हम लोग। और आते हैं अपने टॉपिक पर, पर्यावरण स्नेही पर्यटन। बढ़ती जनसंख्या प्रदूषण तथा नगरीकरण के कारण पर्यावरण को हानि पहुंच रही है, तो पर्यावरण से संबंधित पर्यटन की संकल्पना अस्तित्व में आई कि कैसे हम पर्यावरण को बचा सकते हैं पर्यटन की सहायता से। तो पर्यावरण स्नेही पर्यटन इस प्रकार को अस्तित्व में लाया गया। पर्यावरण स्नेही पर्यटन करते समय लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखना होता है कि वो किसी भी तरीके से पेड़ों को पौधों को वनस्पतियों को नुकसान न पहुंचाए, ना ही वहां पे कचरा फैलाए। तो इस बारे में लोगों को लगातार जागरूकता दिलाई जाती है। हर जगह पर ऐसे बोर्ड पर लिखा जाता है, दीवार पर लिखा होता है कि यहाँ पे प्रदूषण ना फैलाएं, गंदगी ना करें, कचरा डस्टबिन में डालें। तो इस तरह से लोगों को जागरूक किया जाता है बार बार। और पर्यावरण स्नेही पर्यटन द्वारा पर्यटन स्थल पर कूड़ा कचरा ना फेंकना, ध्वनि प्रदूषण को रोकना, वृक्ष और पशु पक्षियों को हानि ना पहुंचाना आदि बातों का ध्यान दिया जाता है पर्यावरण स्नेही पर्यटन में। आगे कृषि पर्यटन। कृषि सबको पता है, कृषि मतलब खेत जहां पर फसलें उगाई जाती है। तो हाल के समय में कृषि पर्यटन की संकल्पना अस्तित्व में आई। अभी कितने बच्चे ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी किसी भी प्रकार की खेती को नहीं देखा होगा, ना चावल की खेती होते हुए देखा, ना गेहूं, ना ही कोई फल ना फ्रूट और फल और सब्जियां। तो क्या होता है कि कृषि पर्यटन के माध्यम से लोगों को ये जानकारी दी जाती है। लोग उस इलाके में जाकर घूमते फिरते हैं और पता करते हैं कि कौन सी फसल के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है, ये सब कुछ जानकारी वो लोग प्राप्त करते हैं। सिंचाई की कौन सी सुविधाएं अच्छी होती है, ये सब कुछ जानते हैं वहां पर जाकर। कृषि पर्यटन में शहर से दूर प्रदूषण मुक्त स्थानों पर कृषि संबंधी प्रक्रियाओं को जोड़कर कृषि जीवन के दर्शन कराए जाते हैं। शहरी जीवन शैली के परिवर्तन के रूप में लोगों का खेतों में जाकर रहना, किसानों से सशुल्क आतिथ्य स्वीकार करना, मतलब पैसे देकर उसे उनका आतिथ्य स्वीकार करना, इन बातों का कृषि पर्यटन में समावेश होता है। महाराष्ट्र के पुणे और कोल्हापुर जिले में कृषि पर्यटन के लिए उत्तम पर्यटन स्थल विकसित हुए हैं। नेक्स्ट सिनेमा पर्यटन। सिनेमा पर्यटन एक नए प्रकार का पर्यटन है। जिस स्थान पर सिनेमा का चित्रीकरण किया जाता है, मतलब जहां पर वो फिल्म बनाई जाती है, वहां पर आने वाली भीड़ को देखते हुए सिनेमा पर्यटन की संकल्पना अस्तित्व में आई। इसके लिए क्या करते हैं, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जैसे कि मुंबई में सिनेमा नगरी, रामोजी फिल्म सिटी, ऐसी जगहों पर लोगों को घूमने फिरने की परमिशन दी जाती है। वहां पर अंदर लोग जाकर घूमते हैं और देखते हैं कि फिल्म सिटी कैसी है, कैसे कैसे यहाँ पर फिल्में बनाई जाती है। समुद्री पर्यटन। समुद्री पर्यटन एक प्रसिद्ध पर्यटन है। ज्यादातर लोग समुद्री यात्रा भी करना पसंद करते हैं, समुद्र में ही घूमना पसंद करते हैं। कोंकण का तार करली नामक स्थान समुद्र तल और वहां की जीव सृष्टि देखने के लिए प्रसिद्ध है। इस स्थान पर पर्यटकों के लिए स्नॉर्कलिंग तथा स्कूबा डाइविंग करने की सुविधा है। लोग स्कूबा डाइविंग करते हैं पानी के नीचे जाकर। महाराष्ट्र राज्य पर्यटन महामंडल ने यहाँ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्कूबा डाइविंग प्रशिक्षण केंद्र भी आरंभ किया है। लोगों के इसके बारे में प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि इस व्यवसाय में भी वृद्धि हो सके। भारत में पर्यटन विकास का महत्व। भारत में
प्राकृतिक और सामाजिक दृष्टि से बहुत ज्यादा विविधताएं हैं। हमारे देश में जलवायु में भी विविधता दिखाई देती है और सामाजिक, हमारे देश में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, तो ये सब कुछ विविधता सबसे ज्यादा भारत में ही देखने को मिलती, पूरे विश्व में भारत अपनी विविधता के लिए ही प्रचलित है, जाना जाता है। तो यहाँ पर्यटन व्यवसाय को बहुत बड़ी मात्रा में प्रोत्साहन मिला हुआ है, अवसर मिला है। तो भारत की प्राकृतिक समृद्धता, आकर्षक भूदृश्य, हिमालय जैसे अति ऊंचे पर्वत, विलोभनीय समुद्र तट, ये सभी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पूरे विश्व के सैलानी अगर पूरे विश्व में घूमना ना पसंद करे, लेकिन वो भारत में जरूर आना पसंद करते हैं, क्योंकि भारत ऐसी जगह ही है जहाँ पे बहुत ज्यादा विविधता है घूमने के लिए। यहाँ की सांस्कृतिक विविधता, त्योहार, उत्सव, परंपरा, वेशभूषा, भारतीय मसाले से बनाए हुए विविधतापूर्ण भोजन पदार्थ और भारतीयों की सौजन्यपूर्ण आवभगत आदि के कारण पर्यटन इस ओर बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं। देखिए, आपने कई बार देखा होगा कि विदेशी जो भारत में आते हैं तो वो अपने कपड़े ना पहनकर कई बार भारतीय लोगों के वेशभूषा धारण करते हैं, अपने फोटो खिंचवाते हैं। कश्मीर में लोग जाते हैं तो कश्मीर की वेशभूषा पहनते हैं, उसमें अपनी फोटो लेते हैं। तो लोगों में यहाँ की संस्कृति के बारे में बहुत ज्यादा आकर्षण है, जिसकी वजह से भारत में लोग बहुत ज्यादा मात्रा में पर्यटन करते हैं। अब ये बात याद रखनी है कि पर्यटन करते समय कौन सी जगह पे कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। समुद्र किनारे अगर आपको टहलने जाना है तो ज्वार और भाटा का समय सारणी देख कर ही जाना है, क्योंकि अगर किसी समय ज्वार का टाइम है और आप उस समय समुद्र किनारे पर घूम रहे हैं तो आपको डूबने का खतरा हो सकता है। स्थानीय मार्गदर्शक के सिवाय समुद्री किनारा, पर्वत कगार, जंगल, अपरिचित गुफाएं और अन्य स्थलों पर नहीं जाना चाहिए। जब तक आपके साथ कोई गाइड ना हो, आप किसी अनजान स्थल पर घूमने ना जाएं, अकेले तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हो सकता है आप वहां पे खो जाएं, कई बार ऐसा होता भी है। समुद्री तट के कगार पर, पर्वत के कगार पर, कगार मतलब ऊंचाई के किनारे की ओर, जंगली प्राणियों के साथ सेल्फी लेना टालना चाहिए। लोग बहुत ज्यादा सेल्फी लेते हैं और सेल्फी लेने की वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है और कई बार तो लोग मर भी जाते हैं ऊंचाई से गिरने से। समुद्र के गहरे पानी में जाने का और तैरने का मुंह टालिए। समुद्र सोचो कि हाँ मैं बहुत बड़ा तैराक हूँ और मैं समुद्र के बीचों बीच भी तैर लूंगा, तो ऐसी गलती नहीं करना है, क्योंकि समुद्र की कोई गारंटी नहीं है कि कब वो आपको डुबा दे। पर्यटन स्थलों को साफ सुथरा रखने का प्रयास कीजिए, हमेशा पर्यटन स्थलों को साफ सुथरा रखिए। पर्यटन स्थलों पर स्थित प्राणी पक्षियों को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है सदैव। पर्यटन स्थलों पर लगाए गए सूचना फलकों पर दी गई सूचनाओं का बराबर पालन करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अच्छे पर्यटक नहीं कहलाए जाएंगे। आगे, पर्यटन और आर्थिक विकास। पर्यटन विकास से भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत लाभ होता है। हमारे देश को क्या फायदा मिल रहा है, पैसे से जुड़ा हुआ क्या लाभ हो रहा है? तो पर्यटन से उपहार गृह मतलब होटल्स, दुकानें, यातायात की व्यवस्था, मनोरंजन स्थल आदि घटकों का विकास होकर अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष लाभ होता है। इनसे डायरेक्ट सरकार को फायदा होता है। इसी प्रकार आधारभूत सुविधाओं का विकास होता है, लोगों को काम मिलता है और अप्रत्यक्ष रूप से जो हमके सामने से दिखाई नहीं देता लेकिन बहुत ज्यादा लाभ होता है, पर्यटन यह आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे देश को इससे करोड़ों रुपए का फायदा होता है हर साल पर्यटन व्यवसाय से। पर्यटन एवं पर्यावरणीय विकास। पर्यावरण का विकास कैसा होता है पर्यटन से? तो पर्यटन उद्योग की आवश्यकता से प्राकृतिक स्थलों को, अभयारण्यों को, राष्ट्रीय उद्यानों को सरकार स्वयं विकसित करती है और उनकी ज्यादा सुरक्षा बढ़ाती है। अगर कोई जर्जर हो चुकी है तो उसको वापस से मरम्मत उसकी करवाती है, तो उसमें सरकार पैसे लगाती है। पर्यावरण पूरक पर्यटन संकल्पना के लिए पर्यावरण की उचित दक्षता लेकर
पर्यटन स्थलों का विकास किया जाता है और खास तौर पर उनका ध्यान दिया जाता है, उचित दक्षता उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जिससे सरकार को उसी की वजह से सरकार को करोड़ रुपए का फायदा होता है। निवास स्थान, रिजॉर्ट्स, यातायात मार्ग आदि घटकों की रचना पर्यावरण पूरक पद्धति से की जाती है। बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था ये भी सरकार करवाती है। पुनर्उपयोग संकल्पना का भी उपयोग यहाँ पे लिया जाता है, किसी चीज का पुनर्उपयोग करना। रिसाइकल, पर्यावरण की प्राकृतिक स्थिति सुरक्षित रखकर पर्यावरण को विकसित किया जाता है। नेक्स्ट, पर्यावरण और स्वास्थ्य का क्या संबंध है आपस में? तो भारत में कुछ पर्यटक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आते हैं। भारत के पर्यटन स्थलों को देखने के साथ ही भारतीय आयुर्वेद, योग शास्त्र और प्राणायाम द्वारा पर्यटकों को शारीरिक सुदृढ़ता और मन की शांति प्राप्त हो, इस प्रकार के पर्यटन उपलब्ध कराती है। तो कुछ लोग इस उद्देश्य से ही भारत में आते हैं। भारत के अस्पतालों में किए जाने वाले उपचार और शल्य क्रियाएं मतलब ऑपरेशन में अपेक्षाकृत कम खर्च होने के कारण भी विश्व के अनेक देशों से लोग भारत में अपना इलाज करवाने आते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए आवश्यक सेवा सुविधाओं की व्यवस्था करने से स्वास्थ्य संबंधी पर्यटनों का भी विकास होता है। पर्यटन और सामाजिक विकास, पर्यटन के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक प्रकल्पों का विकास हुआ है। सामाजिक विकास तो ग्रामीण संस्कृति और आदिवासी जीवन और उनकी संस्कृति जैसे घटकों का पर्यावरण में समावेश करने पर पर्यटकों को सामाजिक दिशा प्राप्त होती है। और जो समाज उपेक्षित थे, जो जिनका विकास नहीं हुआ था, तो उन समाजों का भी विकास में होता है। जैसे कि कुछ आदिवासी ग्रुप ऐसे हैं जिनको अभी तक मतलब ये विकसित नहीं हो पाए हैं, तो उनका भी विकास इसमें होता है। पूरे समाज को मिलाकर चला जा रहा है यहाँ पर। फिर महाराष्ट्र के मेलघाट में आदिवासी जीवन, महान समाज सेवी बाबा आमटे का आनंद वन प्रकल्प प्रोजेक्ट है उनका। रालेगांव सिद्धि, हिवरे बाजार जैसे आदर्श गांव की यात्रा करना आदि जैसे पर्यटन से सामाजिक भान निर्माण होता है। ये सब कुछ देखने के बाद सामाजिक जानकारी लोगों को प्राप्त होती है और उसका विकास होता है। भारत में इस प्रकार के पर्यटन के लिए बड़े अवसर हैं। भविष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था में पर्यटन यह एक महत्वपूर्ण घटक सिद्ध हो गया है। ओके, आगे ये आपके क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। निम्न विधानों से पर्यटन के प्रकार पहचानिए। तो उसके पहले हम लोग जरा देख लेते हैं कि पर्यटन के संबंध में अतिथि देवो भव ये संकल्पना कहाँ तक सार्थक है। तो पर्यटन के अतिथि मतलब जो हमारे देश में घूमने आ रहे हैं या फिर हमारे प्रदेश में घूमने आ रहे हैं, तो वो हमारे लिए हमारे मेहमान है और वो मेहमान हमारे लिए भगवान के समान है, अतिथि देवो भव। तो ऐसी संकल्पना लेकर हम पर्यटन व्यवसाय को विकसित कर रहे हैं कि जो भी आते हैं हमारे देश में वो हमारे मेहमान है और वो हमारे भगवान के समान है। तो जैसे हम लोग भगवान की कैसे सेवा करते हैं, तो वैसे ही सेवा हमें उन मेहमानों की भी करनी चाहिए। तो पर्यटन में इस शब्द को लिया गया है और इसी के आधार पर सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, जैसे कि होटल्स, दुकानें, यातायात सेवाएं, मनोरंजन के साधन, निवास स्थान, स्वास्थ्य सेवाएं, व्यापार, बैंकिंग आदि क्षेत्रों में रोजगार के लोगों को अवसर मिल चुके हैं। पर्यटन के कारण आधारभूत सेवाओं का विकास हुआ है। जो बेसिक सेवाएं हैं, जो बेसिक जरूरतें हैं, उनकी उनको विकसित किया गया है। पर्यटन से देश को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। पर्यटन के कारण देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में भी सहायता मिलती है, क्योंकि हमको बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, जिसकी वजह से हम उसी की सहायता से अपने देश का विकास कर पाते हैं और साथ ही पर्यटन स्थलों को और ज्यादा विकसित कर पाते हैं।
तो अतिथि देवो भव इस संकल्पना के आधार पर पर्यटन व्यवसाय को विकसित किया गया है। ओके, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको बताना है कि ये किस प्रकार का पर्यटन है। ओके, पहला क्वेश्चन है, हेमंत कुमार माया संस्कृति के वास्तु रचना कौशल्य की विशेषताएं जानने हेतु मैक्सिको होकर आया, मतलब ये दूसरे देश में, भारत से दूसरे देश में गया था, तो कौन सा पर्यटन होगा? विदेशी पर्यटन। दूसरा, गोवा कार्निवल देखने के लिए पुर्तगाली पर्यटक गोवा में आए थे। गोवा भारत में है और पुर्तगाली पुर्तगाल से आए थे भारत में कार्निवल देखने के लिए, तो ये किस प्रकार का पर्यटन है? विदेशी पर्यटन। प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में उपचार करने हेतु जॉन और अमर को केरल जाना पड़ा, ये लोग उपचार करने मतलब अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए आ रहे हैं, तो ये किस प्रकार का पर्यटन है? स्वास्थ्य संबंधी पर्यटन। पुंडलिक राव ने सह परिवार चार धाम की यात्रा पूर्ण की, चार धाम की यात्रा मतलब भगवान के दर्शन करने गए, तो ये कौन सी पर्यटन हो गया? धार्मिक यात्रा पर्यटन। नेक्स्ट, पुणे की रामेश्वरी अपनी सहेली के साथ हुडा पार्टी की एवं आधुनिक तथा पारंपरिक खेती विषयक जानकारी प्राप्त करने आई। यहाँ पर देखिए शब्द दिया हुआ खेती, और खेती मतलब कृषि, तो ये किस प्रकार का पर्यटन हो गया? कृषि पर्यटन। सैयद परिवार अजमेर यात्रा के लिए गया, अजमेर शरीफ जहाँ पे मस्जिद है वहां पे घूमने गए, तो ये धार्मिक यात्रा पर्यटन हो गया। ओके, और इसके बाद यहाँ पर है सह संबंध पहचान कर जोड़ियां मिलाइए और उनकी कड़ी बनाइए, तो पहले यहाँ पे तीन गट दिए हुए हैं, अगट बगट और कगट। अगट का संबंध ब से जोड़ना है और बगट का संबंध क से जोड़ना है। ताड़ोबा, तो इसमें आएगा ताड़ोबा जो है ये इसमें आएगा चंद्रपुर, और चंद्रपुर में बाघ का प्रकल्प है मतलब वहां पे बाघों को सुरक्षित रखा गया अभयारण्य। दूसरा, पक्षी अभयारण्य, तो ये नानज में है और यहाँ पर मालढो को रखा गया है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये नाम आपने सुना होगा, नेशनल पार्क जो हमारे यहाँ पे है मुंबई में बोरीवली में, उसी का नाम है ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये मुंबई में है और यहाँ पर हमें देखने मिलता है कान्हेरी की गुफाएं। नेक्स्ट है ताजमहल, ताजमहल सबको पता है आगरा में है, और आगरा में क्या देखने जाते हैं? विश्व विख्यात अजूबा जिसे हम वंडर भी कहते हैं। रामोजी फिल्म सिटी, ये हैदराबाद में है और ये फिल्म सिटी से ही पता चल रहा है कि ये चित्रपट नगरी है। राधा नगरी कोल्हापुर में है, वहां पर रान गवा के उनको सुरक्षित रखा गया है। भीम बेटका मध्य प्रदेश में है जहाँ पर प्राचीन गुफा चित्र है मतलब गुफाओं में चित्रों को दर्शाया गया है। प्राचीन गुफाएं तो वेरूल में है, ये यहाँ पर हमें कैलाश की गुफाएं देखने को मिलती है। ईगल नेस्ट वन्य जीव अभयारण्य ये अरुणाचल प्रदेश में है जहाँ पर हमको तितलियां देखने को मिलती है। लो कटक ये मणिपुर में है, लास्ट ऑप्शन बचा है, और यहाँ पर हमें झील देखने को मिलती है। ओके, बाकी जो क्वेश्चन आंसर है वो आप स्वयं से करेंगे, और मानचित्र दिया हुआ है महाराष्ट्र का, उसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पूछा गया है कि गर्म पानी के झरनों की आपको सूची बनानी है, तो इस मानचित्र की सूची में आपको ध्यान देना है वहां पे गर्म पानी के लिए बॉक्स में नीले रंग का चिन्ह का उपयोग किया गया है, प्रतीक चिन्ह है, उस प्रतीक चिन्ह की सहायता से आप गर्म पानी के झरने की सूची बनाएंगे। और इसके साथ ही सेकंड क्वेश्चन है, यातायात के मार्ग और पर्यटन स्थलों का विकास इनके बीच सह संबंध किन किन स्थानों पर दिखाई दे रहा है, तो आपको इसको मानचित्र की सहायता से देखना है कि कैसे
किस जगह पे सड़कों का विकास हुआ है जिसकी वजह से उस क्षेत्र में पर्यटन व्यवसाय विकसित हुआ है। सर टॉपिक हो गया है, बच्चों को कुछ क्वेरीज हो गया तो पूछ सकते हैं। तो आप सभी पर्यटन से संबंधित इन सभी नए प्रकारों को ध्यान में रखेंगे और एक बार इस टॉपिक को रीडिंग करेंगे, जिससे आपका और भी ज्यादा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।